हाँ, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आखिरकार वो मेरी माँ जैसी है ना। अच्छा, कहाँ पर है माँ? मम्मी जी मेरे पास ही बैठी है, आराम कर रही है ना। ठीक है, जरा मेरी बात करवाना माँ से। ओ, आपको मम्मी से बात करनी है? क्यों नहीं, मैं आपकी अभी मम्मी से बात करवाती हूँ, एक मिनट। सुन बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को जरा सा भी भनक लगने दी ना कि मैं तुझे कैसे रख रही हूँ घर में, तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी, समझी? लीजिए बात करिए। हाँ बेटा। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ संजय, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, और आप भी अपना ख्याल रखना। बहुत काम होंगे ना, आप उसे करो, मैं भी घर के काम निपटाती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, हम बाद में बात करते हैं। बाल बाल बच गई मैं। ये मेरा पति ना रोज रोज फोन करता है, पता नहीं इसे बॉर्डर पे इतना टाइम कैसे मिल जाता है। ए बुढ़िया, अच्छी तरह से मेरा पैर दबा। बहू जरा धीरे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? अगर दर्द हो रहा है तो सही से दबा। ठीक है बहू। वरना तो जानती है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। वैसे सुषमा सही है, तुम्हारा पति देश की सेवा कर रहा है और तुम मेरी। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। एक फौजी की वाइफ होने की ना अलग ही फायदा है। बेचारा वो वहाँ दिन रात एक करके देश की सेवा कर रहा है, और मैं यहाँ मजे से बैठी हूँ, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी उसी के घर पे। कितने मजे की जिंदगी है मेरी, है ना? हाँ। और रहा सवाल इस बुढ़िया का, इसे तो मैंने अपने घर की नौकरानी बना कर रखा है, और इसके बेटे को भनक भी लगने नहीं दी। बहू तू मेरी बाल छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों बुढ़िया, सही बोल रही हूँ ना मैं? तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुझे तड़पाना। अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे, जा करके काम कर, बहुत सारे काम पड़े, और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। अरे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे, जा क्या लात मार के भगाओ। क्यों बेबी, बिल्कुल सही कहा ना मैंने? हाँ सुषमा। संजय तुम? बेटा तुम? तुम तो मुझे कॉल पर बोल रही थी कि तुम काम कर रही हो और माँ आराम कर रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है ये सब, और कब से चल रहा है? संजय तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ ना। कैसे एक्सप्लेन करोगी तुम ये सब? एक तो तुम मेरी माँ को परेशान करती हो, उन्हें टॉर्चर करती हो, उनसे घर के सारे काम करवाती हो, उन्हें मारती हो पीटती हो, और ऊपर से तुम अपने आशिक के साथ मौज कर रही हो, उसे अपनी गोद पर सुला रही हो। क्या चल रहा है ये सब घर में, क्या समझूं मैं इसे, बताओ मुझे। संजय मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बहुत लंबी कहानी है, आओ ना हम लोग बैठ के आराम से बात करते। और वैसे भी तुम तो मंथ के लास्ट में आने वाले थे ना, अभी अचानक कैसे आ गए? हाँ, और इसी चीज का तुमने फायदा उठा लिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं लेट आने वाला हूँ, तो तुमने मुझे धोखा देने का सोच लिया, है ना? तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ रंगरलिया मना रही थी, और मेरी माँ को टॉर्चर कर रही थी, और तुम खुद अपने आशिक के साथ मजे करती रही। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो, तुमने मेरी माँ को परेशान कर दिया। तुम्हें लगा होगा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का भी पता ही नहीं चलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। देखो आज तुम्हारा सच सामने आ ही गया, मुझे पता चल ही गया कि तुम्हारा असली रूप था कैसा। संजय मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें ये सारी बातें पता कैसे चली और किसने बताया? मुझे ये सब कुछ माँ ने बताया, वो भी चिट्ठी भेजकर। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम जिसे मैं इतना प्यार करता था वो इस तरह नीचे गिरेगी, इतनी नीच हरकत करेगी, अपने आशिक को घर में लाकर रखेगी, मेरी माँ को परेशान करेगी, उन्हें टॉर्चर करेगी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसीलिए सच का पता करने के लिए मैं आज बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे घर आ गया, और सच मेरे सामने। तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे माँ ने मुझे चिट्ठी में बताया था। अब ये सब देखकर
मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो इतनी गिरी हुई है, जो इतनी नीच हरकत कर सकती है। तुम्हें पता है, मैं भले ही घर से दूर था लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पीछे, मेरे घर को देखने के लिए, मेरी माँ का देखभाल करने के लिए तुम हो। लेकिन मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था। तुम्हें मेरी माँ की क्या, मेरी भी परवाह नहीं थी। तुमने एक बार नहीं सोचा कि जब ये सच्चाई मेरे सामने आएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा? उल्टा तुम तो मुझे धोखा दे रही थी। अगर आज मैं घर नहीं आता तो मुझे ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। संजय, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया और मुझे अपनी गलती पे पछतावा भी है। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता भी है सुषमा, तुम कह क्या रही हो? ये सॉरी, ये माफी, ये लास्ट चांस गलती के लिए होता है, जो इंसान जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में करता है। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया ना, वो पूरे होशो आवाज में और तो और जानबूझकर किया, जो कि सरासर गलत है और ये गुनाह है। और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, उल्टा सजा होता है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं अपना आपा खो दूं, सुषमा तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल तक देखने का मन नहीं है। और देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हें तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो, तुम यहाँ से चुपचाप बिना बहस के चली जाओ। संजय, enough is enough। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो गलती करती हो, ऊपर से माफी भी मांग रही हो। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में पता नहीं था कि घर में आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, आपको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। माँ, अगर मुझे जरा सा भी भनक होता ना तो मैं पहले ही आ जाता और आपको इतना सहना नहीं पड़ता। माँ माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, तुम मुझसे माफी मत मांग। मुझे खुशी हुई तूने मेरी बात सुनी और सच जानने के लिए यहाँ आ गया। तूने मेरा साथ दिया, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। जीता रहे बेटा, जीता रहे।